गाइस क्या आप स्ट्रक्चर्स के अंदर और बीआईएम के अंदर अपनी जॉब सर्च कर रहे हो, मींस कहीं अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाए, तो कुछ जो जेन्युइन कंपनीज है मैं उनकी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, मींस कहाँ कहाँ पर ओपनिंग से उसकी पूरी सीरीज बना दे रहा हूँ, जिससे आप देख के कंप्लीट समझ सकते हो कि हाँ यार यहाँ ओपनिंग है, चलो अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ दे ओपनिंग है अप्लाई कर देता हूँ। और ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाए, जिससे कि आप कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ओपनिंग हो वहां पर अप्लाई कर दे। चलिए देखते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कि पहली जो ओपनिंग है वह है प्रीम हंट ऑपरेट करके कंपनी है, सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल है इनके, यहाँ पर 2 से 6 ईयर तक का एक्सपीरियंस, अगर 1 ईयर भी है तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इनके यहाँ फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस सबके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन अगर आपके पास आरसीसी का और स्टील डिजाइन का अच्छा नॉलेज है, अब आरसीसी मतलब आपको कम से कम सिस्मिक एनालिसिस आना चाहिए, स्टील मतलब विंड एनालिसिस जरूर आना चाहिए आपको, फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए, आईएस कोड्स के बारे में पता होना चाहिए, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप फटाफट जाइए, इस कंपनी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, बस क्लिक करिए अप्लाई कर दीजिए। चलिए देखते हैं दूसरी ओपनिंग कौन सी निकली है। दूसरी ओपनिंग है डेल्टा कॉम स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, पुणे की काफी पुरानी कंपनी है, ठीक है, ये भी पुणे में है और वो वाली पुणे में ओपनिंग थी। तो गाइज इसमें इनको डिजाइन डिटेलिंग्स दोनों करने वाला बंदा चाहिए, तो आप डिटेलिंग मतलब समझ सकते हैं ऑटो कैड डिटेलिंग होगी, डिजाइनिंग मतलब स्टैड और या फिर रिटैप्स, वैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि स्टैड प्रो VA TI चाहिए इनको। अभी स्टैट प्रो VA TI बहुत लोग यूज कर रहे हैं गाइस, तो आप लोग स्टैट प्रो VA TI आराम से उसको यूज कर सकते हो, बेस्ट वर्जन है वो। एंड नेक्स्ट थिंग आपको आरसीसी के लिए भी नॉलेज होना चाहिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के डिजाइन आनी चाहिए, ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ऑटो कैड तो आपको आता ही होगा होप्सो, इंडियन स्टैंडर्ड्स आपको आने चाहिए, कौन कौन से कोड है जैसे SP34, SP16, IS456, IS1893, IS875, इनका बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टैट प्रो आपको अगर आता है, अगर आप फॉर श्योर हैं, तो आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए, ये मत देखिए कि इनको 5 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि सैलरी से देखा जाता है गाइस कि इनके यहाँ पर फ्रेशर्स की ओपनिंग्स होगी क्या। अब इन्होंने बोला कि 9,000 से 43,000 तक इनकी ओपनिंग्स है, तो स्वाभाविक सी बात है 9,000 में तो कोई फ्रेशर ही आएगा, फिलहाल डेटा कॉम में काफी फ्रेशर्स हमारे स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, सो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, अदरवाइज यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ओपनिंग कहाँ पर निकली हुई है। नेक्स्ट ओपनिंग्स निकली हुई है ग्रीन ई कॉम सोल्यूशंस करके कंपनी है, अभी जस्ट हमारे एक स्टूडेंट लगा इस कंपनी में, अच्छी बात ये, इनके यहाँ पर बी आर्किटेक्ट्स की ओपनिंग है, जिसमें सिविल इंजीनियर्स भी अप्लाई करते हैं, सिविल इंजीनियर्स को भी रखते हैं, हमारे गुरुकुल बैच का बच्चा अभी जस्ट लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसमें आपको क्या चाहिए, ऑटो कैड का अच्छा नॉलेज चाहिए, रेबिट का अच्छा नॉलेज, अगर आपके पास है ऑटो कैड और रेबिट का अच्छा नॉलेज और पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है अगर आपके पास, तो अप्लाई कर दीजिए, काफी अच्छी सैलरी देते हैं ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं तो यही बोलूंगा कि सारे प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कर दो इनके यहाँ पर। अगर आपके पास वीम का अच्छा नॉलेज है, इसमें एलओडीज और उसके बाद 2D 3D 4D 5D, क्योंकि कोलेब्रेशन का काम है तो थोड़ा बहुत BIM 360 के बारे में पता हो अगर आपको, थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर्स मतलब रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर्स का पता है, तो आप विदाउट वेस्टिंग अ टाइम फटाफट अप्लाई कर दीजिए। होप सो आपको वर्ड और पावर पॉइंट तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा नॉलेज इसका भी रखना पड़ेगा। या इसके हमें ऐसे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर इस प्रोफाइल के लिए और इस लोकेशन के लिए प्लीज जॉब बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा उस प्रोफाइल के लिए उस लोकेशन में जो सबसे बेस्ट जॉब होगी उसको आपके सामने लेके आऊंगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ बसर आप ओपनिंग सर्च करोगे, तो मैं पुणे और मुंबई के आज टारगेट किया मैंने, आपको किसी और लोकेशन का चाहिए डू कमेंट, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस लोकेशन का जॉब आपके लिए लेके आ सकूं। तो ये पूरी एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ जिसमें आप सभी को जितने भी इंडिया में ओपनिंग चल रहे हैं BIM में, स्ट्रक्चर्स में, एस्टिमेशन में, जिस प्रोफाइल में चाहिए आपको साइट में कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उन पे वीडियोस लेके आऊं और आपको बता दूं कहाँ कहाँ पर ओपनिंग्स, जेन्युइन ओपनिंग्स कहाँ कहाँ चल रही है इनके यहाँ पर। ऑटो कैड और स्टैट प्रो पे नॉलेज आपको होना चाहिए, स्टैट प्रो मतलब सीधी सीधी बात हो, सेंटर लाइन निकालना आपको आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए, अगर आपको है अच्छा नॉलेज स्टैट प्रो का तो फटाफट इनके यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट कंपनी है BIM की निलसॉफ्ट, पुणे की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है BIM में अगर देखा जाए तो, इसमें आपको BArk भी चलेगा, BE भी चलेगा, डिप्लोमा भी चलेगा, और इनके यहाँ पर फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सबके लिए प्रोफाइल है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और काफी इम्प्लॉय इनके पास, तो डायरेक्ट इनके मेल आईडी पर nilsoft@careerandnilsoft.com पे अप्लाई कर दो, क्या पता आपको कल या परसों में शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए। अगर आपका पोर्टफोलियो बना है तो पोर्टफोलियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, और बिना पोर्टफोलियो के अप्लाई करेंगे तो थोड़ा कम चांस रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग का। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट कंपनी, ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है AS सिस्टम करके, बी मार्केटिंग की इनकी प्रोफाइल है, ये मुंबई के लिए, मैंने सोचा कुछ लोग मुंबई के भी होंगे तो मुंबई के जो ओपनिंग्स है उनके लिए लेके आया हूँ। और AS सिस्टम काफी पुरानी कंपनी, ठीक है, इसमें रेबिट पर मेनली इनका काम होता है, एलओडीज का अच्छा नॉलेज चाहिए आपको,
ठीक है। और अगर आपको लुमियन आता है तो एडेड एडवांटेज है, लुमियन बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी आता है तो लिख लीजिएगा अपने रिज्यूम में, क्योंकि अगर लिखेंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग का चांस ज्यादा रहेगा। और पैकेज आप देख ही रहे कि आप बेहतरीन पैकेज है बीआईएम में। सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि बीआईएम में पैकेज बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट कौन सी ओपनिंग है। तो नेक्स्ट ओपनिंग है आपकी लेजर एंड टर्बो में मुंबई में। बीएम मॉड्यूलर की प्रोफाइल है इनके यहाँ पर, बीम एग्जीक्यूटिव प्लान मतलब बीईपी बोलते हैं। थोड़ा सा बीईपी के बारे में पढ़ लेना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं गुरुकुल में कई लोगों को टीच भी करता हूँ। बीएम वर्कफ्लो थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्कफ्लो के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर आपको रेविट का अच्छा नॉलेज है प्लस बिल ऑफ मटेरियल यानी रेविट के अंदर ही एस्टिमेशन किया जाता है, अगर उसका नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक बीम का भी इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। तो लेजर एंड टर्बो एक अच्छी कंपनी है, अगर आपके पास मौका है, अगर आप चाहते हैं मुंबई में जॉब करूंगा तो आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जॉब जो है वो बीम इंडिया करके बहुत अच्छी कंपनी है, बीम इंडिया। इनके यहाँ पर पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं। इनके यहाँ पर रेबिट बीआईएम मॉडल क्लियर मेंशन है, रेबिट मतलब रेबिट पे ही पूरा सब कुछ है। इनका ज्यादातर काम रेबिट और नेविस्वर पे है। अब नेविस्वर का मतलब है आपको क्लैश डिटेक्शन आना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन का काम आना चाहिए, और रेबिट तो सर्वे सर्वा आपको आना चाहिए। अब अच्छी बात क्या है कि इनका वर्क लोकेशन है कतर दोहा, बीम इंडिया तो कहीं का भी हो सकता है, ये पूरा आपको अरेंज करके देंगे। काफी बड़ी कंपनी है बीम इंडिया, ठीक है। इनके पैकेजेस भी बहुत ही शानदार लेवल के रहते हैं, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं फटाफट। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट ओपनिंग्स कौन सी है। नेक्स्ट ओपनिंग है बीम स्पेशलिस्ट की एकॉम में। एकॉम में हमारे कुछ स्टूडेंट्स काम भी करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो भी एकॉम काफी अच्छी कंपनी है, 5 लाख 6 लाख का पैकेज तो आराम से दे ही देती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस आपकी क्वालिटी क्या है। रेबिट का अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके साथ आरसीसी और स्टील के बारे में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। आपको बिल ऑफ क्वांटिटी बीओक्यू निकालना आना चाहिए, किसमें रेबिट में बहुत आसान होता है, ठीक है। कई लोगों को पता होगा मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट वीडियो बनाया है कि बीओक्यू कैसे निकालते हैं रेविट के अंदर। आप पूरा पढ़ लिए 3 4 वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ए कॉम एक बड़ी ओपनिंग कंपनी है तो उनके यहाँ पर हर तरह के एम्प्लॉय उनको चाहिए होते हैं, इसलिए फटाफट अप्लाई कर दो गाइस। नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है वो है ओपनिंग्स जीएम इन्फोटेक करके, ठीक। कई लोग सोच रहे थे ना सर ओपनिंग नहीं मिले, ओपनिंग नहीं लो, देखो इतनी ओपनिंग्स है, अब अप्लाई करो अपनी काबिलियत को दिखाओ, ठीक है। और कमेंट करो कि सर मुझे यहाँ की ओपनिंग चाहिए, नासिक का चाहिए, मुझे नागपुर का चाहिए, मुझे दिल्ली का चाहिए, गुड़गांव का, बैंगलोर का, हैदराबाद का, जहां का आप कमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम मैं उन्हीं जगहों के लिए जो जो ओपनिंग चल रही होंगी उनको लेके आऊंगा। और क्या बोलते हैं, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है तो बता दें कि यहाँ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक कंटेंट मिल जाते हैं, जॉब से रिलेटेड और सिविल इंजीनियरिंग से सारे कंटेंट। तो आप सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत कम बोलता हूँ, आप कमेंट करें तो कर लीजिए, बट हाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत यूजफुल चैनल हो सकता है ये। तो जीएम इन्फोटेक में ओपनिंग चली गई, इनके यहाँ पर बी मॉड्यूलर की जरूरत है, और इनके यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में स्पेशली बी मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स मतलब रेवी स्ट्रक्चर्स में इंटरव्यू होगा, क्लियर है। देखिए डीलिंग इन रेवी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आप रेवी स्ट्रक्चर्स में क्या पूछ सकते हैं, स्लैब में रेनफोर्समेंट 1/2 mm स्लैब में कैसे रेनफोर्समेंट लगाएंगे, फुटिंग में कैसे रेनफोर्समेंट लगाएंगे, वॉल में रेनफोर्समेंट, शियर वॉल में रेनफोर्समेंट कैसे लगाएंगे, इसके बारे में पढ़ लो। इसके साथ थोड़ा सा रेविट स्ट्रक्चरल फैमिली जैसे कि फुटिंग कैसे बनाएंगे, मैट फुटिंग कैसे बनाएंगे, पाइल फुटिंग कैसे बनाएंगे, किसमें रेविट फैमिली में मतलब पैरामेट्रिक फैमिली में, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे तो बहुत आराम से ऐसी कंपनी में अप्लाई करके आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। किसी कंपनी में अगर किसी का शॉर्टलिस्ट होता है, ठीक है, तो नीचे एक ग्रुप दिया है मैंने, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में बता दीजिए कि सर मेरे यहाँ पर मेरा शॉर्टलिस्टिंग हुआ है, तो वहां के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लगभग वो 80% वही क्वेश्चन ही रहेंगे, तो आप कमेंट अगर कर देंगे तो मैं उन पे आपको वीडियोस दे सकता हूँ कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है रेबिट मॉड्यूलर की, इनकी प्रोफाइल है यहाँ पर रियल लेजर एंड टर्बो में, ठीक है। मॉड्यूलर की है यहाँ पर, और इनके यहाँ पर भी लगभग सेम ही होगा, क्योंकि इनको चाहिए बी 360 का नॉलेज चाहिए। अगर डायनमो का नॉलेज है तो अच्छा है, ठीक है। नॉलेज मतलब अवेयरनेस तो जरूर होना चाहिए। वीरे का नॉलेज अगर है या फिर मैक्स से रेंडरिंग करना जानते हो, किसी से भी अच्छा रेंडर इनको चाहिए कुल मिला के। अब ऐसी कंपनियां क्लियर कर देती हैं कि इनको चाहिए वॉक थ्रू, और वॉक थ्रू के साथ इनको चाहिए अच्छा रेंडर, और रेंडर के साथ चाहिए इनको अच्छा सा क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो। अगर आपके पास है तो फटाफट अप्लाई कर दो, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि आपका कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी ले आने की कोशिश करूंगा, थोड़ी सी रेगुलरिटी मेरी गाइस नहीं थी क्योंकि मैं कहीं पर बिजी था, मिस घर गया हुआ था। अभी कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपके सामने ढेर सारी ओपनिंग्स लेके आए और आपके साथ शेयर करते रहे। आप कमेंट करिए कि आपको ओपनिंग्स कहाँ की चाहिए, अब इतना तो कमेंट कर सकते हैं, प्लस किस प्रोफाइल की चाहिए अगर बता देंगे तो और इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।